गुड मॉर्निंग क्लास दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बर्फ के पिघलने के कारण से महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति। बर्फ का पिघलना, अब हम लोग यहाँ पे दो जगह लेते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब क्या है, ए पे यहाँ पे बर्फ का पिघलना, बर्फ के पिघलने का दर क्या है, बर्फ के पिघलने की दर अधिक है। यहाँ पे बर्फ के पिघलने की दर अधिक है, तो यहाँ पे अगर अधिक है तो स्वच्छ जल की आपूर्ति क्या होगी, अधिक होगी। स्वच्छ जल की पूर्ति अधिक होगी। जब स्वच्छ जल की आपूर्ति अधिक होगी तो यहाँ पे तो जल स्तर अधिक होगी। जल स्तर क्या होगी, अधिक होगी। बी पे यहाँ पे बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलने की दर कम है। जब कम होगा बर्फ का पिघलने की दर तो स्वच्छ जल की पूर्ति, स्वच्छ जल की पूर्ति कम होगी। जब स्वच्छ जल की पूर्ति कम होगी तो जल स्तर कम होगी, जल स्तर कम होगी। तो महासागरीय जल धारा की जो प्रवाह होगा वो ज्यादा से कम की ओर। तो यहाँ पे जल स्तर अधिक है, यहाँ पे जल स्तर कम है, तो इसकी जो प्रवाह होगी वो अधिक से कम की ओर। ठीक है, यहाँ पे महासागरीय जल धारा है। ठीक है, तो महासागरीय जल धारा की जो उत्पत्ति है उसका एक बर्फ का पिघलना एक प्रमुख कारण है। बर्फ का पिघलने कारण से यहाँ पे स्वच्छ जल की पूर्ति अधिक हो रही है। जहाँ पे स्वच्छ जल की पूर्ति अधिक हो रही है तो वह जल के स्तर क्या होगी, अधिक होगी। और जहाँ पे बर्फ के पिघलने की दर कम है वहाँ पे जल की आपूर्ति क्या हो रही, कम है। तो कम होने कारण से जल स्तर वहाँ पे कम है। तो महासागरीय जलधारा की प्रवृत्ति कैसी है, वो अधिक से कम की ओर प्रवाह करते हैं, अधिक से कम की ओर। तो यहाँ पे महासागरीय जो जलधारा की प्रवाह है ए से बी की ओर है, ए से बी की ओर है। ठीक है, तो महासागरीय जलधारा की प्रवाह में हम लोग देख लें कि बर्फ के पिघलने के कारण से महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति होती है। आज क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे वायु दाब के कारण से महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति के कारण।